बन सकता है। ओ ठाकुर, तूने ऐसे कह दिया जैसे तेरे लिए खेल है। मैं तो हर काम खेल ही समझ कर करता हूँ भैया। मुझे बैसाखी में लाली का ब्याह कर देना है, उससे पहले जोतना, बोना, अनाज पकाना, खेत काटना कितना कठिन है, सोच तो। मैं तो सोच समझ कर ही हाथ लाता हूँ भैया। तुम बस ये तो बताओ करना क्या है। फावड़ा चलाना है, पुरवट में लगना है, तू दोनों में क्या करेगा? मैं तो पुरवट में लगूंगा। ओ ठाकुर, मैं तो बैल हूँ ही, तू क्यों बनना चाहता है? मेरा मन जो चाहो वही बनू। तो बन, तुरंत के घर में पड़ा पड़ा तू नर्म हो गया होगा, पर तगड़ा निकला। हमारा एक ही बेटा है पंडित जी, सभी उपाय कर चुके पर उसका रोग नहीं जाता। अब तो ठाकुर जी का ही भरोसा है महाराज। ठाकुर जी से हमारे बच्चे का जीवन आप ही दिलवा सकते हैं। क्यों नहीं, पर ठाकुर तो इस ताक में बैठे नहीं रहते कि कोई भगत आएगा और जीवन मांगेगा। ठाकुर को तो जगाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और मनाने के लिए कुछ दान दक्षिणा धर्म की बात है। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम, भजे गोविंदम। भाभी, भैया अभी तक बंजर से नहीं लौटे, अकेले क्या करते होंगे? मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। नहीं लाली, तेरे भैया के सिर पर तो सनक सवार है, कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं, मुझे तो चिंता लग रही है। ओए भगवान, ओए भगवान, अरे भगवान, पंडित बराबर बोलता था, अपना ठाकुर जादूगर है, ऐसा पुरवट चला के सारे बंजर में पानी की बाढ़ आ गई। कल से हल चलाएंगे, बीज बो देंगे, खेती हो जाएगी, फिर सारी चिंता दूर हो जाएगी। लो भैया। ठाकुर, ये मेरी गुड्डी बहन लाली, बस खेती करते ही पहले इसके हाथ पीले करने हैं, धूमधाम से। हाँ, हो जाएंगे धूमधाम से। तो चल हाथ पांव धोने, खाना खाएं। ना बाबा, ना मुझे ना हाथ पांव धोना है, ना मुझे खाना है, कुए पर तुम्हारे सर खा लिया था ना। ओए ठाकुर, एक जून खाकर इतना काम कर दिया, दोनों जून खाएगा तो काम भी दुगना करेगा। काम पेट से नहीं करता हूँ, हाथ से करता हूँ। पेट खबर न खाऊ, थोड़ा चूरन खा ले। ओए भगवान, ठाकुर के लिए थोड़ा पाचक चूरन तो ले आइयो। चूरन के लिए जगह होती तो मैं दो चार रोटी और नहीं खा लेता। मैं लेटने जाता हूँ। ठीक है ठाकुर, पेट तेरा है, तू जान। एक ही पत्तल परोस भगवान, ठाकुर नहीं खाएगा। ये ठाकुर ठाकुर कह के अकेले ले, खा ले। मान जाओ ठाकुर, आ खा ले। हट मत कर, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मेरे साथ घर भर भूखा रहेगा। धन्ना ने दो दिन से रोटी नहीं खाई, पानी तक नहीं पिया। अरे वो जाट कौन सा भगत है जो उसके हट करने से ठाकुर खाएंगे? मुझे तो लगता है कि धन्ना अपने साथ साथ घर भर को भूखा मारेगा। किवाड़ तो खोलो भैया, चार दिन हो गए, रोटी तो खा लो। चार दिन तो क्या, जन्म भर नहीं खाऊंगा। ठाकुर नहीं खाएगा तो भाभी अब क्या करें? क्या बताऊं, कौन समझाए तुम्हारे भैया को कि बेकाम पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। चल भाभी चाचा के पास, हो सकता है उनकी बात भैया मान ले। चलो चाचा, भैया तो हट कर बैठे हैं कि ठाकुर नहीं खाएगा तो जन्म भर नहीं खाएंगे, समझाओ ना भैया को। जब से गैया को देखे पंडित के यहाँ से पत्थर ले आए हैं, तब से पानी तक मुंह से नहीं लगाया, जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, और उस पत्थर से खाने की रट लगाए बैठे हैं। पत्थर से रट नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? उस बंजर में अपनी हड्डी चमड़ी जला जला कर हमारे पुरखे चल भी बसे और खेती नहीं हुई, उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे तो लगता है धन्ना की खोपड़ी पर बंजरी के भूत प्रेत चढ़ बैठे हैं। नहीं, बंजर में कोई बखर जंतर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। उस पत्थर की पूजा तो पंडित भी किया करता था,
उसने तो कभी कोई बर्बर नहीं की, न कभी अंजल छोड़ा, उल्टे खा खा के धमतुस्तर हो गया। बुला लो उस भूत उतारने वाले बेतालनाथ को, अभी पता चल जाएगा। ओए ठाकुर, पंडित को गाय देकर काम कराने के लिए तुझे मोल लिया, तू आएगा नहीं, खाएगा नहीं तो काम कैसे होगा? तुझे आना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। भैया भैया, अरे धन्ने, ये क्या बखड़ जंतर लगा रखा है, कि बाहर तो खोल। अरे धन्ने बाहर तो आ। चाँद चाँद ब्रह्म चले पीपल डोले, प्रेत बोले छप्पड़, चुड़ैल चोर बसवारी डोले, जाग बेताल के खप्पड़। धन्ने धन्ने बाहर आ, बाहर आ धन्ने। बेतालनाथ छाद छाद छाद, भूत जानने आया है। भूत को भस्म करूं, पिशाच को पीस के रखूं, चुड़ैल की चोटी काटूं, डाकिनी पिशाचनी भूतनी, पायरा तेलिया मदान प्रकट हो, पायरा नाथ के बच्चे। बाप रे, यहां किसी ने कोई गड़बड़ की तो मार डालूंगा। ये रहा पंडित। ए, छोड़ दो। क्यों पंडित, गाय देखकर मुंह में पानी आ गया? पत्थर देकर दूध पीने चला? अरे भाई, मैंने धन्ना से गाय छीनी थोड़ी, उसको पत्थर नहीं देता तो वो मेरा गला घोटता, दिया तो तुम लोग मेरा सिर फोड़ रहे हो। धर्म की बात है। धर्म की बात तो ये है पंडित कि तू धन्ना को उसकी गाय दे दे और अपना पत्थर ले ले। चलता हूँ। मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ठाकुर तेरे बस के नहीं, पर माने तब ना। मैं अभी गाय लाता हूँ, धर्म की बात है। अरे भाई धन्ने, भूल हो गई मेरी, अपनी गाय ले ले और मुझे मेरा ठाकुर दे दे, सारा गांव मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, मैं जाट हूँ, ठान लिया सो ठान लिया, मर जाऊंगा पर ठाकुर नहीं दूंगा। लो सुन लो जाट की बात। चलो ठाकुर, मैं तो भूल ही गया, पंडित तुझे अपने हाथ से खिलाता था, मैं भी खिलाता हूं। ले खा ले। भोग लगाइए त्रिभुवननाथ। भोग? खा ले। आज तो शबरी के जूठे बेर और विदुर के साग का स्मरण आ रहा है। या स्वर्ग और अपनी कमला से उठकर नटखट नटवर को बचपन की टेव का स्मरण आ रहा है। बचपन की टेव? हाँ, गोकुल के मिट्टी खाने की टेव। कमलेश्वरी, धन्ना के भोलेपन, विश्वास और हठाग्रह ने मुझे विवश कर दिया है। जब तक उसकी साग रोटी नहीं खाऊंगा तब तक उसके साथ सारा घर भूखा रहेगा। कमलेश्वर को अपने घर की चिंता ही नहीं, आपको नहीं जाने दूंगी, आज यही भोजन करना होगा। खाली? नहीं खाता तो मत खा, मार मुझे भी भूखे। ओए ठाकुर, छोड़ दे भूख हड़ताल, मैं तो मर जाऊं पर तुझे भूखे पेट छोड़कर मरना नहीं चाहता। क्यों मेरे माथे कलंक मरना चाहता है? ठीले आ खा, आ खा ले, आ जा। ओए ठाकुर, हाथ बढ़ाकर ही क्यों रह गया? क्या रोटियां लेकर भाग जाने का विचार है? अरे ये सब तेरे लिए ही तो है, पेट भर खा ले, आ खा ले। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब बांधता है कैसे हाथ छुड़ाकर भागता है, कस के आता है। अब देखता है
कैसे रोटियां लेकर भागता है, कैसे नहीं आता। अरे धन्ना ने हाथ बांध दिए हैं और कमलेश्वरी को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है जगदीश्वर का भोला भाला निर्दोष मुखड़ा देखकर। लगता है आज भी नटखट माखन चोर कन्हैया को यशोदा मैया ने बांध दिया हो। वो माँ की ममता का बंधन था जो छूट गया था। ये तो जाट के हट की रस्सी है, कस के बांधी है। कहीं पैर भी बांध दिए तो तुम्हारे पास आना कठिन हो जाएगा। मैं चलता हूँ बाबा। जगन नियंता को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? पर ध्यान रहे, वहाँ जाकर कहीं चिटक गए तो मैं भी पीछे पीछे। सेठ, ओ सेठ, धन्ना सेठ, ठाकुर, द्वारकानाथ, तू आ गया? क्षमा करना सेठ, आने में देर हो गई, बड़ी भूख लगी है, मेरा हाथ तो खोल दो। चंगा चंगा, खोलता हूँ, खाले खाले, पेट भर खाले, बैठ। ठाकुर, अकेले अकेले गपकने लगा, मैं भी तो भूखा हूँ, ना मुझे दे। तुम्हें कैसे दे दूं भैया, ये तो झूठा है। ओए तो क्या हुआ, तूने भैया कहा, भैया का ही झूठा है ना। नहीं नहीं, ये लो अपना भाग। और ठाकुर तू क्या कह रहे, लजीला भी हठीला भी और नटखट भी। चल अब तू भी चल। चला भैया जी। एक ठाकुर, ये है मेरी घरवाली तेरी भाभी, और ये है मेरी छोटी बहन लाली, ये चाची, वो चाचा। इसको तो पहचानता है ना, अपने पुराने मालक मुष्टंड पंडित को। चला बंजर भी देख ले। ओ भागवान, तू और लाली खाना खा लेना, मैंने ठाकुर के साथ खा लिया। बहती को क्या हो गया? चाचा, भैया को क्या हो गया? पकड़ दे अंतर। अरे न ठाकुर न वाट, न जाने किससे बातें कर रहा है। भूख के मारे खोपड़ी पिलपिली हो जाती है भाई। नहीं, नहीं। ये पागलपन की निशानी है। पागलपन? ना पागल हो गया है, ना पागल हो गया, ना पागल हो गया, ना पागल हो गया। लाली, आ, चल चल। एक ठाकुर, ये है अपना बंजर, जिसे मैं खेत बनाना चाहता हूँ। चाहते हो तो बन सकता है। वो ठाकुर, तूने ऐसे कह दिया जैसे तेरे लिए खेल है। मैं तो हर काम खेल ही समझ कर करता हूँ भैया। मुझे बैसाखी में लाली का ब्याह कर देना है। उससे पहले जोतना, बोना, अनाज पकाना, खेत काटना, कितना कठिन है, सोच तो। मैं तो सोच समझ कर ही हाथ लाता हूँ भैया। तुम बस ये तो बताओ, करना क्या है? फावड़ा चलाना है, पुरवट में लगना है। तू दोनों में क्या करेगा? मैं तो पुरवट में लगूंगा। ओ ठाकुर, मैं तो बैल हूँ ही, तू क्यों बनना चाहता है? मेरा मन जो चाहो वही बनू। तो बन, तुरंत के घर में पड़ा पड़ा तू नर्म हो गया होगा, पर तगड़ा निकला। हमारा एक ही बेटा है पंडित जी, सभी उपाय कर चुके पर उसका रोग नहीं जाता। अब तो ठाकुर जी का ही भरोसा है महाराज। ठाकुर जी से हमारे बच्चे का जीवन आप ही दिलवा सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर ठाकुर तो इस साथ में बैठे नहीं रहते कि कोई भगत आएगा और जीवन मांगेगा।
ठाकुर को तो जगाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और मनाने के लिए कुछ दान दक्षिणा धर्म की बात है। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम, भजे गोविंदम। भाभी, भैया अभी तक बंजर से नहीं लौटे, अकेले क्या करते होंगे? मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। नहीं लाली, तेरे भैया के सिर पर तो सनक सवार है, कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं। मुझे तो चिंता लग रही है। ओए भगवान, ओए भगवान, अरे भगवान, पंडित बराबर बोलता था अपना ठाकुर जादूगर है, ऐसा पुरवट चला के सारे बंजर में पानी की बाढ़ आ गई। कल से हल चलाएंगे, बीज बो देंगे, खेती हो जाएगी, फिर सारी चिंता दूर हो जाएगी। लो भैया। ठाकुर, ये मेरी गुड्डी बहन लाली, बस खेती करते ही पहले इसके हाथ पीले करने हैं, धूमधाम से। हाँ, हो जाएंगे धूमधाम से। तो चल, हाथ पांव धोने, खाना खाएं। ना बाबा, ना मुझे ना हाथ पांव धोना है, ना मुझे खाना है। कुएं पर तुम्हारे सर खा लिया था ना। ओए ठाकुर, एक जून खाकर इतना काम कर दिया, दोनों जून खाएगा तो काम भी दुगना करेगा। काम पेट से नहीं करता हूँ, हाथ से करता हूँ। पेट खबर ना खाऊ, थोड़ा चूरन खा ले। ओए भगवान, ठाकुर के लिए थोड़ा पाचक चूरन तो ले आइयो। चूरन के लिए जगह होती तो मैं दो चार रोटी और नहीं खा लेता। मैं लेटने जाता हूँ। ठीक है ठाकुर, पेट तेरा है, तू जान। एक ही पत्तल परोस भगवान, ठाकुर नहीं खाएगा। ये ठाकुर ठाकुर कह के अकेले में किससे बातें करते रहते हो? ना कोई दिखाई देता है, ना कुछ समझ में आता भी, और कहते हो कि बढ़िया काम। अरे बुद्धि, ठाकुर सबको दिखाई नहीं देता, लजीला है, इसीलिए तो तुम लोगों के सामने रोटी भी नहीं खाता। हाँ, कल से कुएं पर ही रहेगा। बंजर तो हलवा बन गया। ओए ठाकुर, ठाकुर, अरे जादूगर, पूरे बंजर में हल भी चला दिया। बीज भी बो दिए, पटरा भी फिरा रहा हूँ। बीज की बोरी तो घर में रखी थी, कब ले आया? ये भी पूछोगे कि हीरा को भी कब ले आया? मैं नौकर हूँ, नौकरी बराबर करता हूँ, कई काम एक साथ कर लेता हूँ। भैया, बिना काम चैन कहाँ? और तेरा भी चोर नहीं था तो एक ही रात में सब कर डाला। पंडित ठीक कहता था, तू जादूगर है। भैया, किसी के कहने में विश्वास ना करूं, मन चाहे सो करूं। हाँ, मन चाहे तो नौकरी बराबर बजा के माला माल कर दूं, मन ना चाहे तो मुड़कर देखूं भी नहीं। चले कोई कहता रहे, फटक चंद गिरधारी। तू भी गड़बड़िया है। ओए ठाकुर, मुझे जगा लिया होता तो हाथ ना बटा देता, अकेले सब करने की जल्दी क्या थी? लाली का ब्याह जल्दी करना है ना भैया। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। ओए ठाकुर, कल से भूखा है ना, ले रूखी सूखी ही रोटी खा ले। भैया, दिखावे की पूरी से प्रेम की रूखी सूखी रोटी मीठी लगती है। तू खा, मैं पानी लाता हूँ। खेत पति और जगत पति का बड़ा अनोखा नाता, एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता, एक है भक्ति एक है शक्ति, दोनों ही बलवान भाई। अरे देखा, धन्ना चाचा का सारा बंजर खेत बन गया। धन्ना कहता है ठाकुर ने ही सब किया। कौन ठाकुर, कैसा ठाकुर, किसने देखा ठाकुर वाकुर को काम करते? ठाकुर वाकुर कोई हो तब ना, कहीं पत्थर भी काम करता है। पता नहीं क्या बखर जंतर है, पर बात सच्ची है, मैं अपनी आंखों से खेत देख कर आया हूँ। अरे हलवा बन गया हलवा। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, सारा गांव अंधा है, एक तुम ही 80 कोस दूर देखते हो। कभी कभी धन्ना के प्यार में घसीटा राम जी 80 योजन तक अपनी आंखों को घसीट ले जाते, धर्म की बात है। भजे गोविंदम, भजे गोविंदम।
खटका था वही हुआ। धन्ना के यहाँ ठाकुर बनकर प्रभु चिटक ही गए। मोहिनी धुन से लगता है द्वारकानाथ को व्रज की सुर बहुत आ रही है। हाँ? देखो तो, ओ, इस ठाट में भी द्वारकानाथ जैसे आज महालक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर खेत में। हाँ, अपने किसान पति को फिर से भगवान बनाने। बंजर खेत बन गया, बीज भी पड़ गए। अब जगदीश्वर अपनी कमला पर कृपा करें, चले अपने था। यहाँ धन्ना सेठ ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। वो सुलझने पर ही चल सकूंगा। जहाँ अधिकारण मिलता वहाँ समस्याएं भी खड़ी कर ली जाती है। रुकने के सैकड़ों बहाने बना लिए जाते हैं। नहीं नहीं, बहाना नहीं, सत्य है कमले। धन्ना अपनी बहन लाली का ब्याह हो जाने के बाद ही जाने देगा। चलना चाहे तो सब कुछ कमलेश्वर की चुटकी की बात है, ये कौन नहीं जानता। समय से पहले कुछ भी करना अनुचित है। अधिक समय तक आपको यहाँ पड़े रहने नहीं दूंगी। ऐसा प्रबंध करती हूँ कि लाली का ब्याह शीघ्र हो।